प्रणाम पिताश्री। माताओं, मैं रात दिन आप सबके विषय में ही सोचता रहता हूँ। पुत्र कुमार, जब से तुम नक्षत्र लोग छोड़कर गए हो, हमारा तो जीवन ही व्यर्थ हो गया है। अब तुम्हारे बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। हाँ पुत्र, तुमने हमारे मन में मातृत्व की भावना जगाई है। तुम हमारे प्राण हो कुमार। पुत्र, तुम हमारे साथ नक्षत्र लोग लौट चलो। हाँ पुत्र, तुम्हारे बिना एक क्षण काटना भी असंभव है। तुम्हारे बिना हम शांति से नहीं रह सकते पुत्र। माताओं, अब मेरा नक्षत्र लोक लौटना संभव नहीं है। क्यों पुत्र? क्योंकि मुझे तुम सबको दिए हुए वचन को पूर्ण करने का अवसर शिव कृपा से प्राप्त हुआ है। कैसा वचन? माता, तुम सबकी इच्छा थी ना कि मैं तुमसे प्राप्त अपनी युद्ध विद्या का प्रदर्शन करूं? हाँ हाँ पुत्र। मैंने संसार के कल्याण के लिए अस्त्र उठाने का जो वचन तुम सबको दिया था, अब दुष्ट तारकासुर का संहार कर उस वचन को पूर्ण करूंगा माता। किंतु हमारा क्या होगा पुत्र? हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगी? माता, ये शिक्षा तो आपने ही मुझे दी है कि जब जीवन में निराशा हताशा छाने लगे, तब अपना मन भक्ति और भावना में लगा देना चाहिए। माताओं, आप सब अपना मन परम देव श्री महागणेश और देवाधिदेव भगवान शिव की भक्ति में लगाएं। मैं अपनी छह माताओं का पुत्र हूँ। मेरे यह छह मुख मेरी बातों का प्रमाण है। षडमुख कुमार कार्तिकेय की जय। 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 आप सबकी जब भी इच्छा हो तब आप मुझे कैलाश मिलने चली आना, किंतु मुझे नक्षत्र लोक लौटने की आज्ञा न दे। हम मोह की वशीभूत हो गई थी, किंतु तुम्हारे षटमुख के दर्शन के पश्चात हमें सत्य का ज्ञान हो गया है। पुत्र, शिव इच्छा से तुमने इस संसार के कल्याण के लिए यह अवतार धारण किया है। हम अपने मोह से तुम्हें विवश नहीं करेंगे। हम तुम्हारा आदेश मानकर अपना भावी जीवन परमदेव श्री महागणेश और देवादिदेव महादेव की भक्ति में लगाएंगे। हमारी शिक्षा और संस्कार से तुम इस संसार के कल्याण के लिए सदा उत्साहित रहो, ये हमारा आशीर्वाद है। दुष्ट शक्तियाँ तुम्हारा नाम सुनकर भय से थर थर कांपने लगे, ये हमारी शुभकामना है। भोलेनाथ, आपकी महान दया के कारण आज हमने अपने पुत्र कुमार के दिव्य स्वरूप के दर्शन किए हैं। अब हमारा जीवन सफल हो गया, अब हमें आज्ञा दे। तुम सबका कल्याण हो। Thank you.
स्वरूपा देवी पार्वती का उद्विग्न और निराश होना अनुचित है। शक्ति, तुम इस समय? हाँ पार्वती, जब शक्ति को आश्रय प्रदान करने वाली देवी पार्वती का मन खिन्न हो तो उसे संतुष्ट करना शक्ति का कर्तव्य है। पार्वती, इस प्रकार पुत्र के व्यवहार पर चिंतित और निराश होना तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम जगत माता हो, तुम्हारे स्वामी शिव कितनी बार तुम्हारे सम्मुख इस सत्य का उल्लेख कर चुके हैं, किंतु कार्तिकेय के व्यवहार में तो किस व्यवहार का उल्लेख कर रही हो तुम? शक्ति, शिव पुत्र और मेरा पुत्र होते हुए भी कार्तिकेय उन छह कृतिकाओं का ही पुत्र है, ये उसके नाम से भी सिद्ध होता है। और आज तो उसने अपने छह मुख प्रकट करके इस बात को भी सत्य प्रमाणित कर दिया। कहने की इच्छुक तो नहीं, किंतु कहना तो पड़ेगा ही। क्या कहने की इच्छुक हो तुम? पार्वती, कुमार कार्तिकेय की कृतिका माताओं को देखकर आज तुम्हारे मन में क्या ईर्ष्या का भाव जागृत नहीं हुआ? नहीं, लेश मात्र भी नहीं। हाँ, दुख अवश्य हुआ कि अपने पुत्र के समस्त अधिकार मुझे क्यों नहीं प्राप्त हुए। इस अकारण हास्य का अर्थ क्या है शक्ति? ये हास्य अकारण नहीं है, अर्थात देख रही हूँ कि दुखी हो जाने के कारण शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती की स्मरण शक्ति भी क्षीर्ण हो रही है। शक्ति, क्या आज तुम मुझे अपमानित और प्रताड़ित करने के लिए ही प्रकट हुई हो? नहीं पार्वती, मैं तो तुम्हारी चिंता का शमन करने के लिए प्रकट हुई हूँ, किंतु मैंने आज तक तुम्हारा ऐसा व्यवहार नहीं देखा। जानती हो क्यों? क्यों? क्योंकि आज से पूर्व ना तो तुम इतना अधिक निराश हुई और ना ही उद्विग्न। शक्ति, तुम तो भली भांति जानती हो कि मेरा आत्मतत्व जन्म जन्मांतर से परम देव श्री महागणेश को पुत्र रूप में पाने के लिए व्यग्र है। सती स्वरूप में मेरी मनोकामना पूर्ण नहीं हो सकी। पार्वती स्वरूप में पुत्र मिला तो उसके लालन पालन का अधिकार मुझे नहीं मिला। पार्वती, मेरे हास्य और तुम्हारे प्रति कठोर भाषा बोलने का कारण इतना ही था कि तुम संभवतः भूल गई कि महादेव शिव और परम देव श्री महागणेश ने तुम्हें क्या आश्वासन दिया था। मुझे किसी आश्वासन का स्मरण नहीं है। क्यों? महादेव ने नहीं कहा था कि यदि तुम कार्तिकेय को मात्र स्नेह प्रदान करोगी तो परम देव श्री महागणेश की तुम्हारे पुत्र रूप में अवतार धारण करने की संभावना प्रबल हो जाएगी। अब वो समय दूर नहीं पार्वती जब तुम्हारे जन्म जन्मांतर की आशा पूर्ण होगी। तुम एक नहीं दो दो पुत्रों की माता कहलाओगी। सत्य, परम सत्य। माता, आप अभी अभी जिनसे बात कर रही थी वो कौन थी, और जो थी वो एकाएक अदृश्य क्यों हो गई? वे तुम्हारी शक्ति माता थी पुत्र। जब भी मैं उद्विग्न हो जाती हूँ तो वे मुझे दर्शन देकर मेरी उद्विग्नता का शमन करती है। तो आप उद्विग्न क्यों हुई थी? क्या मुझसे कोई भूल हो गई है? नहीं नहीं पुत्र, तुमसे भूल होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। बालक का मन तो निष्पाप और निस्वार्थ होता है। तो आप उद्विग्न क्यों थी माता? वो कारण अभी तेरे समझने योग्य नहीं है पुत्र। शक्ति माता ने आपकी उद्विग्नता का शमन कर दिया माता? हाँ पुत्र। माता, यदि मेरा मन उद्विग्न होगा तो क्या शक्ति माता मेरी भी उद्विग्नता का शमन करेगी? वे मुझे इसी प्रकार दर्शन देगी? अवश्य पुत्र, शक्ति तो संपूर्ण संसार की माता है। वे अपने किसी भी पुत्र को उद्विग्न और दुखी कैसे देख सकती हैं? उद्विग्न अथवा दुखी होने पर मुझे भी उनका स्मरण करना पड़ेगा? ऐसी स्थिति आएगी ही नहीं पुत्र। पिताश्री और मेरे होते हुए मेरा लाल उद्विग्न और दुखी हो, यह असंभव है। पुत्र कार्तिकेय, सच सच बता, तू मेरा पुत्र है कि उन छह कृतिका माताओं का? माता, मैं आपका भी पुत्र हूँ और उनका भी। अभी अभी तो आपने कहा
कि मैं शक्ति माता का भी पुत्र हूँ। जिस प्रकार शक्ति माता समस्त संसार की माता है, उसी प्रकार मैं आप सब माताओं का भी पुत्र हूँ। मैं आप सबसे समान रूप से स्नेह करता हूँ माता। एक प्रश्न पूछूं माता? अवश्य पुत्र। आप सब भी मुझसे समान रूप से स्नेह करती हो ना? हाँ पुत्र, माता के प्रेम और समर्पण को शब्दों में व्यक्त करना असंभव है। माता, आप मुझे भगवान शिव की कथा सुनाइए ना। सब मुझे शिव पुत्र कहते हैं, पर मैं उनके विषय में कुछ भी नहीं जानता। आप मुझे पिताश्री के विषय में सब कुछ बताएं। शिव कथा सुनने की इच्छा तुम्हारे मन में कैसे जागृत हुई पुत्र? माता, जब मैं नक्षत्र लोक में था, तब मेरी कृतिका माता है, मुझे प्रतिदिन कथा सुनाया करती थी। भगवान शिव के नाम से परिचित होने के पश्चात मेरा मन सदा उनकी कथा सुनने को उत्सुक रहता है। शिव का नाम ही ऐसा है पुत्र। शिव का अर्थ होता है कल्याण। वे हर एक का कल्याण करते हैं। संसार के कल्याण के लिए बड़े से बड़ा त्याग करते हैं। बता पुत्र, कल्याण रूपी शिव की कौन सी कथा सुनेगा? माता, आपका और पिताश्री का मिलन कैसे हुआ? पुत्र कार्तिकेय, मेरा जन्म पृथ्वी लोक के हिमालय राज्य के सम्राट महाराज हिमालय के महल में हुआ। परम देव श्री महागणेश की प्रेरणा से मेरा मन कल्याण रूपी शिव की ओर आकर्षित होने लगा। किस प्रकार? एक बार देवर्षि नारद हिमालय महल पधारे और मेरी हस्तरेखाओं को देखकर कहने लगे, महारानी मैना, आपकी पुत्री देवी पार्वती अत्यंत सौभाग्यशालिनी है। इनके पति संसार के सर्वश्रेष्ठ शक्ति संपन्न दिव्य तेजस्वी एवं परम ज्ञानी होंगे। इतने अधिक गुण संपन्न व्यक्ति कौन है देवर्षि? महाराज हिमालय, वे विचित्र वेशधारी योग और वैराग्य के मूर्तिमान आदर्श हैं। उन्हें पति रूप में प्राप्त करने के लिए पार्वती को कठोर परीक्षाएं देनी होंगी। मैंने परम देव श्री महागणेश की आराधना प्रारंभ कर दी। पुत्र, श्री महागणेश से देवाधिदेव महादेव का परिचय जानकर मेरा मन उनकी ओर आकर्षित हो गया और मैंने मन ही मन निश्चय कर अपना सर्वस्व शिव चरणों में समर्पित कर दिया। पुत्र कार्तिकेय, इस प्रकार मैंने संसार के सर्वश्रेष्ठ शक्ति संपन्न दिव्य तेजस्वी योग और वैराग्य के मूर्तिमान आदर्श परम ज्ञानी शिव को प्राप्त कर लिया। प्रणाम माता। माता, आपके हृदय में उमड़ते मातृ स्नेह को देखकर मेरा मन अत्यंत प्रसन्न हो गया है। सत्य कहूं माता, तो मेरा मन भी भैया कार्तिकेय की भांति आपकी गोद में खेलने को मचल रहा है। तो अपनी इच्छा पूर्ण करो सर्वेश्वर, मुझे अपनी माता बनने का परम पावन सौभाग्य प्रदान करो। सौभाग्य तो मैं प्राप्त करूंगा माता। अब अधिक समय मैं आपसे दूर नहीं रहूंगा। मैं शीघ्र ही आपके दूसरे पुत्र के रूप में अवतार धारण करूंगा। तो क्या परम देव के वचन पूर्ण करने का समय निकट आ गया है? अति निकट माता। अब मेरी और आपकी अर्थात हम दोनों की प्रतीक्षा का अंत होगा। अब मुझे आपकी शिक्षा संस्कार तथा माता का निश्चल प्रेम प्राप्त होगा तथा आपकी जन्म जन्मांतरों की अभिलाषा पूर्ण होगी। सत्य परमदेव, आप सत्य कह रहे हैं? हाँ माता, परम सत्य। इस विशाल कैलाश में भैया कार्तिकेय अकेले हैं ना? उनके साथ खेलने वाला उनका भी तो कोई भाई होना चाहिए ना? भैया कार्तिकेय के संग खेलने का आकर्षण मुझे शीघ्र अवतार धारण करने के लिए विवश कर देगा। निश्चिंत रहो माता, मैं शीघ्र ही अवतार धारण करूंगा।
आप दैत्यों के आराध्य, परंतु अभिमानी और हठी दैत्य माता दीति और उसके पौत्र तारकासुर के मन में आपके प्रति भयानक द्वेष। ब्रह्मदेव के वरदान के अनुसार तारकासुर का वध शिव पुत्र कार्तिकेय ही करेगा। इस अप्रिय सत्य को टाल दें और तारकासुर के कारण सर्वोच्च शिखर पर पहुंची दैत्य जाति के हित के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप दीति और तारकासुर के मन से शिव द्वेष समाप्त करें, जिससे वो दोनों भी मेरे ही समान आपकी भक्ति के लिए प्रस्तुत हो सके और आपकी महान कृपा से तारकासुर क्षमा प्राप्त कर सके। दैत्य माता, जिन शक्ति महाशक्तियों ने आपके पौत्र तारकासुर के विरुद्ध षड्यंत्र किया है, वे सब कुछ ही समय के पश्चात आपके चरणों में लौट लौट कर क्षमा याचना करेंगे। पौत्र तारकासुर, मुझे तुम्हारी बातों और विध्वंसक विस्फोटक भयानक शक्तियों पर पूर्ण विश्वास है। वो दिन दूर नहीं जब इस संसार की शक्तियां महाशक्तियां तीनों लोकों के स्वामी स्वयंभू तारकासुर की जय जयकार करने के लिए विवश हो जाएंगी। स्वयंभू माता, वो कितना सुंदर दिन होगा जब संपूर्ण संसार में एकमात्र दैत्य जाति का साम्राज्य स्थापित होगा और दैत्य माता दीति संपूर्ण संसार की माता के रूप में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। वरदानी तारकासुर, क्या तुम अपनी माता वारांगी के इस सुंदर स्वप्न को सत्य करने के लिए इच्छुक नहीं हो? यह आप क्या पूछती हैं दैत्य माता? इस स्वप्न को सत्य करना स्वयंभू तारकासुर का धर्म भी है और निर्धारित कर्तव्य भी। जान सकती हूँ तुम्हारी माता वारांगी के इस सुंदर स्वप्न को सत्य करने के लिए तुमने क्या प्रयास किए हैं? प्रयास तो अनेक अनेक किए जा चुके हैं दैत्य माता, किंतु प्रतीक्षा है अंतिम प्रयास की। जब शिव पुत्र कार्तिकेय का वध स्वयं तारकासुर स्वयं अपनी विध्वंसक शक्तियों से करेंगे। सत्य है पौत्र तारकासुर, जिस दिन तुमने शिव पुत्र कुमार कार्तिकेय का वध किया उस दिन ये संसार तुम्हारे चरणों में झुकने के लिए विवश हो जाएगा। किंतु क्या दैत्य माता? शिव पुत्र कुमार कार्तिकेय का वध करना तुम्हारे लिए कोई साधारण कार्य नहीं है तारकासुर। दैत्य माता दीति, आप महाबली तारकासुर का अपमान ही नहीं अपितु घोर अपमान कर रही है, घोर अपमान। ये अपमान नहीं है तारकासुर, अपितु तुम्हारी माता वारांगी के सुंदर स्वप्न को सत्य करने की योजना है। योजना अर्थात शिव पुत्र कुमार कार्तिकेय की रक्षा महाशक्तियों की दिव्य कृपा के साथ ब्रह्मा का वचन भी करेगा। ब्रह्म वाक्य अटल होता है, किंतु तुम्हें मेरे आशीर्वाद और अपनी विध्वंसक शक्तियों की सहायता से ब्रह्म वाक्य मिथ्या सिद्ध कर देना है। आप विश्वास रखें दैत्य माता कि अब इस संसार में ब्रह्म वाक्य मिथ्या होकर ही रहेगा। किंतु इसके लिए स्वयंभू को पाताल लोक की असुर सेना की सहायता लेनी पड़ेगी। स्वयंभू, उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है तारकासुर, तुम पाताल के अंधकार में अचेत पड़ी असुर शक्ति की भयानक शक्तियों से अपरिचित नहीं हो। इस कार्य में दैत्य गुरु तुम्हारा मार्गदर्शन और सहायता करेंगे। ना दैत्य माता ना, मुझे उस पाखंडी शुक्राचार्य पर तनिक भी विश्वास नहीं। दैत्य जाति के चिंतन का भ्रम करवाने वाला वो ढोंगी प्रतिदिन शिव आराधना में लीन रहता है। मुझे विश्वास नहीं कि शिव पुत्र कार्तिकेय के विरुद्ध हमारे इस अभियान में वो हमारी सहायता करेगा। दैत्य माता, तुम निश्चिंत रहो तारकासुर, मेरा आदेश
दैत्य गुरु शुक्राचार्य को दैत्य जाति की सहायता करने के लिए विवश कर देगा। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, दैत्य गुरु के कर्तव्य का पालन करें। मेरे पौत्र तारकासुर की सहायता के लिए आप पाताल लोक की असुर सेना का आह्वान करें। आह्वान तारकासुर, जाओ शुक्राचार्य को अपनी सहायता के लिए विवश कर दो। ऐसा ही होगा दैत्य माता, ऐसा ही होगा। मैं उस पाखंडी शुक्राचार्य को हमारी सहायता करने के लिए विवश कर दूंगा, और यदि वो ना माना तो स्वयंभू। आप निश्चिंत रहे शिक्षक, दैत्य गुरु शुक्राचार्य को दैत्य गुरु होने से अधिक अपनी शिव भक्ति का गर्व है। इस संसार की कोई भी शक्ति उसे शिव के विरुद्ध जाने के लिए विवश नहीं कर सकती। स्वयंभू शुक्राचार्य, स्वयंभू, मुझे देखकर चकित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं भली भांति जानता हूं कि तुम मुझे पहले ही पाताल में जाकर रहने का परामर्श दे चुके हो, और स्वयंभू इस परामर्श को ठुकरा भी चुके हैं। तो अब तुम यहाँ किस उद्देश्य से प्रकट हुए हो? स्वयंभू, ढोंगी और पाखंडी तो तुम पहले से ही थे, क्या तुम मिथ्या वचनी भी हो गए शुक्राचार्य? क्या तुमने दैत्य माता दीदी का आदेश नहीं सुना, अथवा सुनकर भी ना सुनने का भ्रम करवा रहे हो? हाँ तारकासुर, शुक्राचार्य, सत्य को सुनकर तेजित ना हो। जो व्यक्ति अपने कुकर्मों और दुष्कर्मों से स्वयं अपनी मृत्यु की ओर बढ़ रहा है, उस पर उत्तेजित होकर हम अपनी उत्तेजना को कष्ट देने के इच्छुक नहीं है। शुक्राचार्य, तो अब सत्य को सुनकर तुम उत्तेजित हो गए ना? स्वयंभू, मेरी उत्तेजना तुम्हारे हित में शुभ ना होगी। शुक्राचार्य, शिव भक्ति करने वाले परिणाम के शुभ अशुभ से भयभीत नहीं होते। तारकासुर, मैंने तुम्हारी पितामही और दैत्य माता दीति का आह्वान सुना है, किंतु मैं उनका आदेश मानने के लिए बाध्य नहीं हूँ। इसी कारण कि तुम दैत्य गुरु होते हुए भी दैत्य शत्रु की भूमिका निभा रहे हो, किंतु स्वयंभू तुम्हारे दुष्कर्मों और कुकृत्यों को कदापि क्षमा नहीं करेंगे। शुक्राचार्य, अपने कुकृत्यों और दुष्कर्मों के लिए क्षमा की प्रार्थना करो तारकासुर। दैत्य माता दीति के आदेश को ठुकराने और तुम्हारी सहायता न करने का कारण भी सुन लो। स्वयंभू सुनाओ शुक्राचार्य, सुनाओ। आज स्वयंभू तीनों लोकों के स्वामी दैत्यराज तारकासुर स्वयं तुम्हारे पाखंड को सुनने यहाँ आए हैं। सुनाओ शुक्राचार्य। तारकासुर, शिव पुत्र के संहार का विचार तुम्हारे अंत को और अधिक निकट ले आएगा। दैत्य माता दीति के आह्वान को स्वीकार करते हुए यदि हमने पातालवासी असुरों का आह्वान किया तो वे निर्दोष तुम्हारे साथ साथ शिव पुत्र के हाथों मारे जाएंगे। उनकी हत्या का पाप मुझे लगेगा। स्वयंभू, सत्य क्यों नहीं कहते शुक्राचार्य कि तुम शिव पुत्र और अपने आराध्य शिव के विरुद्ध जाने के ही इच्छुक नहीं हो? यदि तुम्हारी बुद्धि और विवेक इसे सत्य मानता है तो यही सत्य है। मैं शिव के विरुद्ध कदापि नहीं जा सकता, क्योंकि शिव के विरुद्ध जाने का अर्थ है तुम्हारा अंत। इस पाखंड से उचित यही होगा शुक्राचार्य कि तुम दैत्य गुरु का पद त्याग कर कैलाश पर जाकर शिव चरणों में बैठकर शिव पुत्र की सहायता करो, क्योंकि ना तो तुम दैत्य गुरु के पद के योग्य हो और ना ही स्वयंभू तारकासुर तुमसे प्रसन्न है। दैत्य गुरु का सम्मानित पद ना तो मुझे तुम्हारी कृपा से मिला है और ना ही मुझे अपनी योग्यता का प्रमाण पत्र तुमसे बनवाना है। तुम्हारी प्रसन्नता का भी हमारे लिए कोई मूल्य नहीं है। तुम्हारे जीवन की रक्षा करने का विचार बार बार मेरे मन में उठता है कि भगवान शिव तुम्हें सद्बुद्धि दे और तुम महाकाल से टकराने का विचार छोड़कर शिव भक्ति और शिव 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 शिव
कहीं ऐसा न हो शुक्राचार्य कि शिव पुत्र के साथ ही स्वयं तार का सर का क्रोध तुम्हारे आराध्य शिव पर भड़क उठे। विनाश काले विपरीत शिव 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 हे भोलेनाथ हे आशुतोष इस मूल बुद्धि तारकासुर के दुस्साहस को क्षमा कर। शिव शिव है उस दिन की प्रतीक्षा करो शुक्राचार्य जिस दिन तुम्हारा जटाधारी शिव भी दैत्यराज तारकासुर की जय जयकार करेगा। मुझे पहले से ही विश्वास था कि तुम दैत्य जाति की सहायता कदापि नहीं करोगे। दैत्य माता दीति के प्रार्थना के कारण ही मैं आज तुम्हारे सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ शुक्राचार्य। दैत्य माता दीति का आदेश और हमारी उपेक्षा का परिणाम तुम्हें भविष्य में भुगतना ही होगा शुक्राचार्य। स्वयंभू 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 शुक्राचार्य। अपनी साधना को विराम दे हम आपकी निरंतर आराधना से प्रसन्न हैं।
ओम नमः शिवाय। जय जय शिव शंकर। जय जय भोलेनाथ महादेव। देवाधिदेव हे भगवान आशुतोष, मेरे अपराधों को क्षमा करें। देवराज, पश्चाताप के निर्मल जल से आपके समस्त अपराध अब स्वयं ही नष्ट हो चुके हैं। देवराज, अब इस संसार को अपना कुशल और कल्याणकारी नेतृत्व प्रदान करें। महादेव, हमें आपके मन में उठते हुए विचारों का भलीभांति ज्ञान है। आप देवताओं के ऋषि नारद की सहायता प्राप्त करके परम देव श्री महागणेश, वैकुंठपति श्री हरि विष्णु और सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव की कृपा प्राप्त करें, जिससे दुष्ट तारकासुर का अंत शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय के हाथों सुनिश्चित हो जाएगा। आप दोनों का कल्याण हो। जय जय शिव शंकर। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। देवर्षि नारद की जय। देवर्षि नारद की जय। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, परम देव श्री महागणेश के परम भक्त, भागवत भक्ति के आधार, भगवान शिव के प्रमुख आराधक, देवर्षि नारद की जय। देवर्षि नारद की जय। नारायण नारायण, जय श्री महागणेशाय नमः। देवराजेंद्र, मैं ये देख रहा हूँ कि स्वार्थ व्यक्ति से कैसे कैसे कार्य करवा लेता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। देवर्षि, आप इस जय जयकार के सच्चे अधिकारी हैं, इसी कारण हमने आपकी जय जयकार की। इसमें भला हमारा स्वार्थ क्या हो सकता है? नारायण नारायण। देवऋषि, एक लंबे समय के पश्चात हमें आपके मंगलकारी दर्शन प्राप्त हुए, इसी कारण हम अपना हर्ष व्यक्त करने के लिए आपका जयगान कर रहे हैं। देवऋषि, आप हम देवताओं के सच्चे शुभचिंतक हैं, मार्गदर्शक हैं। इस कारण आपकी जय जयकार करना हमारा धर्म भी है और कर्तव्य भी है। नारायण नारायण। देवगण, मैं अपने आप को किसी भी जय जयकार का अधिकारी नहीं समझता। ऐसा क्यों देवर्षि? ऐसा इसलिए देवराज कि मैं तो परम देव श्री महागणेश, त्रिदेव एवं त्रिदेवियों का सेवक मात्र हूँ। सेवक की जय जयकार करने से उचित तो यही होगा कि आप स्वामी की जय जयकार करें। नारायण नारायण। किंतु देवर्षि, स्वामी तक पहुंचने का मार्ग तो आप ही हमें दिखाते हैं, इस कारण आप ही हमारे स्वामी हुए। वरुण देव, स्वामी बनना सरल है किंतु उसकी मर्यादा का पालन करना अत्यंत कठिन कार्य है। ये नारद तो सेवक बनने में ही प्रसन्न है। कारण? देवराजेंद्र, स्वामी शब्द स्वामित्व का सूचक है और इस शब्द की अहंकार के साथ घोर शत्रुता है। अब मुझ में परमदेव श्री महागणेश, त्रिदेव एवं त्रिदेवियों जैसी सामर्थ्य तो है नहीं कि स्वामित्व से उपजे अहंकार को मैं पचा सकूं। इसीलिए मैं तो सेवक बने रहने में ही प्रसन्न हूँ। यदि आपको जय जयकार करनी ही है तो उनकी जय जयकार करें। परम देव श्री महागणेश, त्रिदेव और त्रिदेवियों की जय। देवर्षि, इस समय हमारे हृदय में संसार के कल्याण की भावना प्रबल हो रही है। यदि आपकी आज्ञा हो तो आपसे निवेदन करें। नारायण नारायण। देवराज, आज आपकी भाषा को सुनकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे देवराज इंद्र नहीं किसी भाषा की पाठशाला का कोई सुसंस्कृत आचार्य बोल रहा हो। नारायण नारायण। आप मेरी बात को अन्यथा ना लें। आप क्या कहने के इच्छुक हैं? आप कहें। देवर्षि, हमारी प्रार्थना में निश्चित रूप से संसार का कल्याण छुपा है। जब तक तारकासुर का संहार शिवपुत्र द्वारा नहीं होगा, तब तक सारा संसार तारकासुर के अत्याचारों से पीड़ित रहेगा। देवर्षि, उस दुष्ट तारकासुर के अंत का कोई ना कोई उपाय अब आपको करना ही चाहिए। देवर्षि, कोई ऐसा उपाय करें जिससे शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय शीघ्र ही यह कार्य संपन्न कर सके। शिवपुत्र के कैलाश आगमन का उद्देश्य ही देव सेनापति बनकर दुष्ट तारकासुर का वध करना था। अब विलंब क्यों? देवर्षि, युद्ध में विलंब होने के कारण
तारकासुर अपनी विध्वंसक शक्तियां बढ़ाता जा रहा है। कुछ समय पश्चात उसे मारना तो दूर, परास्त करना भी कठिन हो जाएगा। देवर्षि, परम देव श्री महागणेश की कृपा से संसार के हर सत्य से आप भली भांति परिचित हैं। भोलेनाथ ने स्वयं मेरे अपराधों को क्षमा कर आपकी सहायता पाकर दुष्ट तारकासुर के अंत की योजना बनाने का आदेश दिया है। देवराज, मैं भोलेनाथ के आदेश से भली भांति परिचित। परिचित होकर भी आप हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं देवर्षि। नारायण नारायण। देवराज एवं देवगण, मैं इस समय देवताओं के ऋषि होने का कर्तव्य ही निभा रहा हूँ। देवताओं के ऋषि का कर्तव्य अर्थात? नारायण नारायण। अर्थात ये देवराज, कि मैं ये देखना चाहता था कि शिवाराधना से आपके उद्विग्न मन में धैर्य, भक्ति और संयम का उदय हुआ अथवा नहीं। आप अपनी परीक्षा में सफल रहे देवराज, और आपकी ये सफलता तारकासुर के अंत का निश्चित कारण बनेगी। नारायण नारायण।